क्रिस्टल शर्मा। आज मैं आप लोग को बाइबल का एक घटना सुनाऊंगी और एक डिलीशियस डिश भी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैथ्यू 14 में लिखा है कि एक दिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु यीशु ने उनसे प्यासे बातें भी किया, उनकी बीमारियों को भी चंगा कर दिया। लेकिन शाम हुई तो सभी लोगों को बड़ा भूख लगा। तो प्रभु ने अपने चेलों से कहा, इन्हें खाना दो। तो चेलों ने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली ही है। तो प्रभु यीशु ने कहा, इन्हें मुझे दो और सभी लोगों को घास पे बिठाओ। तो प्रभु यीशु ने वो रोटी और 2 मछली लेकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया और सभी लोगों को 2-2 कर बांट दिया। और आप लोगों को पता है, सभी का पेट भी भर गया और 12 टुकड़े एक्स्ट्रा भी बच गए। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि नंबर 1, आपकी इतनी चीज़ों को ब्लेस कर वो प्रभुशी इतना बना सकते हैं। नंबर 2, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। अब आइए डिशेस रेसिपी बनाना सीखते हैं। उस रेसिपी का नाम है क्रंची राइस फ्राई। आप सोच रहे होंगे कि उस घटना और इस रेसिपी का क्या संबंध। उस घटना की तरह आपके घर पे भी ज़रूर खाना बचा होगा, है ना? तो आइए अब उसी बचे हुए खाने से आज की रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले बचे हुए राइस को लें और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क दें और थोड़ा सा पानी डालें ताकि राइस के दाने अलग अलग हो जाए। अब आप इसे साफ सुथरा पेपर या एक बड़ा सा प्लेट पर भी सुखा सकते हैं। इस प्रकार सारे दानों को अलग अलग करके धूप में सुखाएं। तब तक ये सूखेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। इस प्रकार राइस को प्लेट पे बिखोर दीजिए और पूरे एक दिन धूप में सुखाइए। और हमारे वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हमारा राइस सूख चुका है। अब पैन पर थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डालें और उसे गर्म होने दें और नाप अनुसार राइस गरम तेल पर डाल दें। वाव, आपने देखा किस प्रकार राइस के दाने तेल पर नाच रहे हैं। अब हम इसे हिलाएंगे ताकि सारे दाने फूल जाएं। इस प्रकार हल्का ब्राउन होने तक इसे हिलाते रहिए। वाव, ये देखिए हमारा डिश रेडी हो गया। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी है। थैंक्स टू मेगा आंटी फॉर दिस आइडिया। ये बहुत ही क्रंची है। अब आप लोग भी ट्राई कीजिए। क्रंची एंड क्रिस्पी। तो अब आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। बाय बाय।